योजनाएं सरकारी दफ्तरों और सरकारी अफसरों के माध्यम से अकेले अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती। ग्राम सभाओं का आयोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ही ग्रामीण जो नागरिक है वह योजनाओं के साथ जुड़ सकता है, बिना उनके जुड़े यह काम नहीं चल सकता। तो फिर हमने यह सोचा कि गांव को हम इसमें कैसे जोड़ें, तब 83 करोड़ जनता तक हम कैसे पहुँचें। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम उन ग्राम सभा के बीच से ही ऐसे सदस्यों को चुनेंगे जिनके अंदर अपने गांव को आगे बढ़ाने की एक भावना है, और उन्हें हम प्रशिक्षण देंगे, उन्हें हम सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, ग्रामीण विकास की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, खाद्य से संबंधित कोई योजना हो, बिजली से संबंधित, पानी इत्यादि से संबंधित योजना हो, जो जो योजना किसी भी ग्रामीण परिवार को जानना बहुत ज़रूरी है, वो सारी योजनाओं के बारे में हम उन लोगों को बताएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को हमने भारत निर्माण वॉलंटियर कहा है, और यह कार्यक्रम हमने आरंभ कर दिया है पूरे देश में, और आज के तारीख में इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आ रहा है, क्योंकि हमने आश्चर्यजनक लोगों के रिस्पांस देखे, और लोग वॉलंटियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। वो चाहते हैं कि हम प्रोग्राम के बारे में समझें और प्रोग्राम को इस तरह से हम चलाएं जिससे कि उनका गांव जो है आगे बढ़ सके। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है, इसमें विडो पेंशन है, आपके ओल्ड एज पेंशन है, फिजिकल चैलेंज पेंशन है, ऐसे जितने भी जो विडो है करीब हो जाती है और 3-4 साल सकते हैं, यदि उसको पेंशन नहीं मिल पाती है तो बड़ा एक हमारे लिए एम्ब्रेसिंग पोजीशन होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं को गांव-गांव घर घर जा करके जो 15 से 20 परिवार 40 परिवार जो जिम्मेदारी उनको दी हुई है, उन घर घर का उन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने एक रजिस्टर तैयार किया है, उसमें उनकी आर्थिक सामाजिक स्तर को उन्होंने पहचाना है, और उसके आधार पर उनको सारी की सारी जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएँ, भारत सरकार की योजनाएँ, उन सबसे उनको लाभान्वित करना सुनिश्चित किया है। और हमारे 41 वॉलंटियर्स को हमने ऐसा तैयार कर दिया है कि वो उनसे आप किसी भी योजना के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन कई वॉलंटियर्स तो कहीं भी यदि कोई हमारा सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं आता है तो उसके बारे में भी सूचना वो हमें दूर मोबाइल पर मुझे देते हैं कि साहब आज आपकी पटवारी नहीं है ग्राम पंचायत में, पटवार हल्के में, या सेक्रेटरी वहाँ पर नहीं पहुंचा है, या इसके साथ साथ आपकी जो आंगनबाड़ी है वो बंद पड़ी हुई है, या आपके जो ANM बहन जी है वो नहीं आई है। सरकारी तंत्र को संबल भी प्रदान कर रहा है कि हमारी जो, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास स्टाफ की बहुत भारी कमी है, तो हम उसको एक वहाँ ग्रास रूट फंक्शनरी के रूप में हम उसका यूज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको वहाँ का स्थानीय स्तर का काफ़ी नॉलेज होता है। तो इस प्रकार हम भारत निर्माण सेवकों को पूरी तरह से यूज़ करके और उसका हमारा जो फील्ड में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उस पर इम्पैक्ट को हम लाना चाहते हैं, और आई थिंक यही भारत सरकार की ये एक मंशा है और यही सोच है कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि जो ग्रामीण क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। और वो मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भारत निर्माण वॉलंटियर्स को जो यूज़ कर करके जिस प्रकार का जो इम्पैक्ट आएगा, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, और इसमें लोगों का बड़ा भारी ज़बरदस्त हमें सहयोग मिल रहा है। अभी भारत निर्माण सेवकों में ये हम बात देख रहे हैं कि जो पहले जो कंसेप्ट आई थी हैदराबाद के कॉलोकियम में, NIRD के कॉलोकियम ने जब माननीय नितिन जन्ना ने बात बताई थी, बहुत सारी बहस वहाँ पर हुई कि फ्री लोग ये काम करेंगे या नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि फ्री काम नहीं करेंगे, नो फ्री लोग कोई काम करेगा नहीं, मगर कुछ 2-3 स्टेट थे, हमें उम्मीद थी कि ये काम ज़रूर होगा। तो जैसे हमने अपील की तो लोगों से काफ़ी उत्साहवर्धक बातें सामने आ गई हैं, और हमने महाराष्ट्र में पायलट बेसिस पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, एक सांगली है, दूसरा वर्धा है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट की खासियत है, सांगली जो है वो उसमें का एक ब्लॉक हमने लिया है, वाड़वा ब्लॉक। वाड़वा में हमने 820 वॉलंटियर इनरोल किए हैं,
और उनमें सबका डेटा हमने अपलोड किया। जब सेलेक्शन ऑफ औरत इन वॉलंटियर की जो हमने प्रोसेस जो छेड़ी थी उसमें हमने दो ही शब्द रखे थे, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले और समाज के लिए कुछ काम करने की मन में इच्छा और वो बिना शुल्क करने वाले। तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, ऑलमोस्ट 1200 लोगों ने नाम इनरोल किया थ्रू ग्राम सभा, उसमें से हमने छाट करके 820 लोगों को लिया है। इसमें से अभी हमारा आगे का प्रोग्राम जो है एक विलेज डेवलपमेंट प्लान भारत निर्माण के माध्यम से सेवकों के माध्यम से हम करेंगे। हमारे राज्य में धमतरी ज़िले के मगरलोड जनपद को पिछले साल लैब टू लैब इनिशिएटिव में, लैब टू लैंड इनिशिएटिव में आइडेंटिफाई किया, चिन्हांकित किया गया था और उसमें अब तक लगभग 820 लोग जुड़ चुके हैं जो भारत निर्माण वॉलंटियर कहे जाते हैं। और इन भारत निर्माण वॉलंटियर ने लगभग चार, अगर मुख्य रूप से देखें, चार क्षेत्रों में काम किया है। पहला मैं बताऊंगा कि जो सुशासन में उनका योगदान क्या रहे हैं, तो सुशासन में उनका योगदान भी चार तरह से हुआ है। एक तो योजना के निर्माण में, और वहाँ लगभग 62 ग्राम पंचायत हैं जिसमें से कि 17 ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहाँ उन्होंने इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की विस्तृत योजना बनाई है। इस योजना में हाउस होल्ड लेवल पर प्लानिंग की जाती है और ऐसे सभी परिवार जिनका लैंड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं एमजी नरेगा में, उन परिवारों के भूमि का विकास जो है मुख्य उद्देश्य रहता है कि वहाँ पर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के वर्क्स कैसे लें और वहाँ लाइवलीहुड के जो दूसरे योजनाएं चल रही उनको कैसे हम कन्वर्ज करें। तो ये काफ़ी विस्तृत योजना निर्माण का कार्य, इसमें 17 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण वॉलंटियर ने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा। इसके अलावा जो शिक्षा में काम जो किया है कुछ ग्राम पंचायतों में, वहाँ पर ड्रॉपआउट्स को कम करने के लिए, तो जैसे वहाँ बच्चों से मिलकर उनको उन्होंने इनकरेज किया, फिर टीचर से भी मिले, फिर पेरेंट्स से भी मिले, तो पार्शियली सफलता मिली है उनको। लेकिन बहुत सफलता, चूँकि आदिवासी बाहुल ये क्षेत्र है जहाँ काफ़ी गरीबी है, लेकिन इस ओर भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के जो छिटपुट जो प्रयास हो रहे हैं, 62 में से लगभग 32 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां हमारे BNVs जो हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। भारत निर्माण वॉलंटियर हम लोग समझते एक स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी ये माध्यम है जो हम लोग सरकारी स्कीमों के बारे में गांव वाले को, विशेष जो अपने वल्नरेबल सेक्शंस हम लोग बोलते हैं, महिला है, SC/ST है, OBCs है, उनको सरकारी स्कीम्स के बारे में बताएं, और उन लोग को अगर कोई मदद चाहिए ये सरकारी स्कीम्स के लाभ लेने के लिए, तो उसमें भारत निर्माण वॉलंटियर का की एक भूमिका हो जाती है कि आप उनको मदद करें, आप दिखाएं कहाँ जाना है, किसको मिलना है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको फॉलो अप विजिट किसके पास जाना है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि भारत निर्माण वॉलंटियर की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहेगी। नवंबर में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। पहले तो हम लोग हफ्ते में एक बार जाके गांव में, वो तालुक के हर एक गांव में जाके बताए ये BNV स्कीम क्या है। उसके बाद ख्याल आया कि BNV स्कीम खाली बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग को ग्राम पंचायत की स्कीम्स के बारे में ही मालूम नहीं है, नहीं उनको केंद्र सरकार की स्कीम के बारे में मालूम है, नहीं राज्य सरकार की स्कीम। तो उसके साथ साथ फिर हम लोग 3 दिन लगातार गए हर एक गांव में, और हम लोग ने ये स्कीम्स के बारे में भी बताई वॉलंटियरिज्म के, और हर वक्त हम लोग ये बताते गए कि आपको इससे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, देर इज़ नो सैलरी, देर इज़ नो मनी। उससे छट के हमारे पास करीब 800 वॉलंटियर्स तैयार हुए, लेकिन MORD के गाइडलाइंस में ये साफ लिखा था कि डोंट चूज एनीबडी हु हैज गॉट बैड कैरेक्टर, नहीं आप ऐसे लोग को लीजिए जो थोड़े अपने फ़ायदे, सेल्फिश, स्वार्थ वाले लोग हो। तो उन लोग की सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग ने की। उसके बाद हम लोग ने TDO से मुलाकात करके बताया। TDO भी बोले कि मुझे भी हर एक गांव में
कैसे व्यक्ति है मुझे भी मालूम नहीं है। फिर हम लोग ग्राम पंचायत में गए और ग्राम सभा में फिर हम लोग ने कहा कि आपके गांव से ये लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं। तो तब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। एक गांव में एक लेडी उठ के बोली कि नहीं, इनको मत रखिए, क्योंकि ये पहले यहाँ फेयर प्राइस शॉप चलाते थे और उन्होंने चीटिंग किया है और उनकी लाइसेंस कैंसिल हो गई। तो ऐसे कुछ लोग छट गए और आज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स 561 हैं। मैं कहती हूँ कि BNV की स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इसको आगे ले जाना है, स्केल अप करना है, तो अकेले कोई BNV काम करेंगे तो वो नहीं चलेगा। हर एक लाइन डिपार्टमेंट को, ग्राम पंचायत के हर एक सदस्य को उसके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी देश की प्रगति होगी। मध्य प्रदेश में जो लैब टू लैंड इनिशिएटिव में भारत निर्माण वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उसमें सक्सेस स्टोरी तो हैं। एक स्पेशल सक्सेस स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि बहुत बड़ा उसने एफर्ट्स किया हमारे भारत निर्माण स्वयंसेवी मझगवां, वहाँ एक देवहला पंचायत है। देवहला पंचायत में एक खत्री और एक विश्वकर्मा जो हैं, श्री विश्वकर्मा जी और श्री खत्री जी, इनका एफर्ट्स मतलब बहुत मार्केबल है। जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया और लोगों में इनकी पहचान बनना शुरू हुई, तो धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब इन्होंने देखा कि अभी बरसात के सीज़न में यहाँ पर स्कूल में देखा ड्रॉप, बहुत बच्चे आ नहीं रहे थे, तो इन लोगों ने कहा, कारण पता करके एकदम से बच्चे कैसे कम हो गए स्कूल में। तो इन लोगों ने घर में जाके फिर से बातचीत करी, तो जाके देखा घर में बीमारियाँ बहुत हो रही थी और माताएँ भी बीमार थी उनकी और बच्चे भी बीमार थे, इस कारण वो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इन लोगों ने बातचीत करी और पता किया और फिर उसके बाद डॉक्टर से संपर्क किया, कि क्योंकि इसके पहले यहाँ पर हेल्थ कैंपेन वगैरह कुछ और डॉक्टर्स भी नहीं आ पाते थे, काफ़ी इंटीरियर है। तो इन लोगों ने जो डॉक्टर त्रिपाठी हैं, इनसे संपर्क किया, वहाँ पर BRC में है जो, तो उनसे बातचीत करी और उनसे बोला कि आप एक दिन हमारे गांव में चलें और वहाँ पर इतनी बीमारियाँ हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, माताएँ को स्वास्थ्य बहुत गिर रहा है, आप एक दिन चल के वहाँ हेल्थ शिविर आयोजित करें। तो उनके कहने पर उन्हें और फिर गाँव वालों को इकट्ठा किया, तो गाँव वाले भी थोड़ा सकुचा रहे थे कि डॉक्टर के सामने कैसे क्या, पर उनको उन लोगों ने मोटिवेट करके एक हेल्थ कैंपेन इन लोगों ने आयोजित कराया। और जो ये हेल्थ कैंपेन आयोजित हुआ है वो 3 सितंबर को ही आयोजित हुआ है। वहाँ पर बकायदा पूरी स्लाइड्स बनी, मलेरिया के बच्चों का सबका चेकअप हुआ, मलेरिया उसमें चेक किया गया, स्लाइड्स वहाँ पर बनी और डॉक्टर ने कंसल्ट करके दिया और जो दवाइयाँ थी वो वहाँ पर वितरित की गई और उनको जो हेल्थ एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया, किस तरीके से आपको रहना है और मलेरिया वहाँ बहुत ज़्यादा था तो उसके बारे में कि कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी समझाइश दी। और ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जहाँ डॉक्टर कभी पहुँचे नहीं हैं और उसने उस तरीके से आयोजित करा के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जो जीवन में बहुत आवश्यक है। भारत निर्माण स्वयंसेवी जो हैं वो ग्राम विकास में बहुत ज़्यादा सहयोगी बन रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। This initiative through the Ministry of Rural Development Government of India, we are implementing. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की इस पहल से हमने विलुपुरम जिले के ओलक्कुर ब्लॉक में कार्यान्वयन शुरू किया। अभी हम 52 ब्लॉक और ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं। हमने 1000 सेवकों का चयन किया और उनका पंजीकरण करवाया और उनको राज्य ग्रामीण विकास संस्था द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि आर्थिक विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र आदि में प्रशिक्षण दिया। जागरूकता और दैनिक संपर्क से आज भारत निर्माण सेवक गांव वालों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या फिर उसे स्कूल से हटाकर काम पर भेजा जा रहा है, तो ये सेवक उन्हें प्रेरित करते हैं और शिक्षा का महत्व बताते हैं ताकि बच्चा दोबारा स्कूल जा सके। जब हमने भारत निर्माण सेवकों को इन अफसरों के बारे में बताया जिनकी लोगों को जरूरत है, तो वे आगे आए और उन्हें लगा कि ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें उनके अफसरों की जरूरत है और इन सभी बातों से वो प्रेरित हुए। जब इन सेवकों ने खुद अनुभव किया और अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, तो हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। Then when he experiences and shares those experiences with us, it really motivate them for us to go ahead.
लैब टू लैंड इनिशिएटिव के अंतर्गत राजस्थान में हमने भीलवाड़ा ज़िला है उसका चयन किया। हमने वहाँ 33 ग्राम पंचायतों में लैब टू लैंड के अंतर्गत भारत निर्माण सेवकों का, ये जो भारत सरकार का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत भारत निर्माण सेवकों का चयन किया। एक बार भारत निर्माण सेवक प्रशिक्षित होकर अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जाकर जो हाउस होल्ड्स, जो परिवार उनको अलॉट हुए हैं, जिनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, वहाँ जाकर ग्रामीण विकास की योजनाओं का, पंचायती राज विभाग की योजनाओं का और संबंधित विभागों की योजनाओं की जानकारी वो अपने परिवारों को देते हैं। उनका क्या ज़रूरत है उसका एनालिसिस करते हैं और किस योजना से उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है उनका एनालिसिस करते हैं। कुछ कार्य जो भारत निर्माण सेवकों ने उल्लेखनीय किए हैं, विधवा पेंशन सेंक्शन कराई हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए हैं गाँव में, और साक्षर भारत मिशन के तहत प्रौण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और कंटिन्यूस धीरे धीरे जैसे ही समय के साथ वो और भी कई क्षेत्रों में अपना योगदान उन गाँव में दे रहे हैं। In our state, Shantipur block in Nadia district has been selected for Lab to Land initiative. हमारे राज्य के नादिया जिले के शांतिपुर ब्लॉक को प्रयोगशाला से भूमतक योजना के लिए चुना गया, जिसके लिए हमने इस ब्लॉक से 250 भारत निर्माण सेवकों का चयन किया, जिसके लिए हमने उन्हें 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद इन सेवकों ने अपने ब्लॉक में सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया। इस ब्लॉक में लगभग 60,000 परिवार हैं और यह इन सभी परिवारों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारी योजना है कि डाटा को कंप्यूटर में डालकर इसका विश्लेषण करके इसे ग्राम संसद सभा में रखा जाए और ग्राम संसद में इस डाटा के अनुसार गांव के स्तर पर एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है। एंड इन द ग्राम संसद बेस्ड ऑन दैट डेटा अ विलेज लेवल प्लान विल बी फॉर्मड। We have 17 village councils. So we have selected volunteers. हमारे गांव में 17 समितियां हैं, इसलिए हमने भारत निर्माण सेवकों का चयन किया और उनको अलग अलग क्षेत्र जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से संबंधित योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया, जिससे कि वह अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सके। आज BNVs विभिन्न विभागों के विकास पदाधिकारियों को सहयोग देने में आगे आ रहे हैं। हमने कामरा और मलखारन गांव में देखा कि गांव की समितियां सारा अधिकार ग्राम सभा को देने को तैयार हैं, जिससे कि लाभार्थियों का चयन और कार्यान्वयन ग्राम सभा की सहमति से हो। हमें आशा है कि दूसरे गांव में भी ऐसा ही हो।